हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, ये देखिए रजनीगंधा के दो फ्लावर अभी खिले हुए हैं और अभी ये कलियों का पूरा बंच बाकी है खिलना और इसमें से महक भी इतनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं मनी प्लांट को सपोर्ट देने वाली हूँ क्योंकि मेरा मनी प्लांट छोटे से गमले में रखा हुआ है, लगा हुआ है मतलब, और जो है मुझे उसे रिपोर्ट करना है। ये देखिए मेरा बेलपत्र का जो प्लांट है वो देखिए कितना लंबा हो गया है, देखिए ऊपर तक जा रहा है, यहाँ से ले के पूरा नीचे। और आपको ये मैं हमेशा दिखाई हूँ कि ये भोले बाबा में ये बेलपत्र का प्लांट लगा है और ये पार्वती जी हैं उनमें जो है ये पंचमुखी गुड़हल का प्लांट मैंने लगा रखा है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ मोगरा में भी देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग है, जिसमें लीव्स नहीं है उसमें भी खूब सारी फ्लावरिंग हुई है। और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने इसमें क्या डाला है, एक खास चीज़ क्या है, वो कॉमन ही है लेकिन जो है ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा अपराजिता का वाइट वाला ये फ्लावर निकला है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मनी प्लांट को मैं रिपोर्ट करी और सपोर्ट जिस स्टिक का मैं दे रही हूँ उसे मैं किस तरह से बना रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा मनी प्लांट है नियोन पोथोस। ये देखिए इसकी लीव्स देखिए गोल्डन गोल्डन है और एक मेरे पास ग्रीन में है और एक वेरिएटेड है। तो दोस्तों, इसका पॉट बहुत ही छोटा है, ये देखिए छोटू से पॉट में न जाने कितने सालों से बेचारा लगा हुआ है और इसी में ही बेचारा गबड़ घुसेड़ हो चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों, मैं जो है इसे रिपोर्ट करूँगी बड़े वाले पॉट में। और मैंने ये देखिए एक ये मेरा वाइपर का जो पीछे का डंडा है स्टिक वो लोहे की बज गई थी तो वो लिया है, कुछ नारियल की रस्सी ले रखी है, ये तार लिया है मैंने और जो है ये जो पुराना दुपट्टा है कॉटन का वो ले रखा है। तो इसी से ही मैं इसका सपोर्ट बनाऊंगी मनी प्लांट का। और मिट्टी का तो अभी मैं शेयर करूंगी, सबसे पहले मैं ये स्टिक तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये अपना कॉटन का दुपट्टा ले लिया है और आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, इसका छोटा सा इतना एरिया में जो मिट्टी के अंदर जाएगा तो उतना एरिया में छोड़ दूँगी और इधर से मैं इसे इस तरह से लपेट दूँगी, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से लपेटने के बाद जो है मैं इसके इर्द गिर्द ये जूट की रस्सी जो है हमारी उसे लपेटूंगी इस तरह से, यहाँ से मैं इसे बांधूंगी। अच्छा दोस्तों, ये कॉटन का दुपट्टा मैंने इसीलिए लपेटा है कि ताकि जो है हमारी स्टिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहे। दोस्तों, बाहर से महंगा मतलब स्टिक खरीदने से तो अच्छा ही है, तो यहाँ पर भी इसी तरह जूट की बेकार रस्सी पड़ी हो तो उसी से ही आप बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसी तरह से इसे लपेटती जा रही हूँ, तो थोड़ा पास पास में लपेटिएगा जिससे ये है कि मॉइस्चर बना रहे और हमारी ये जूट की रस्सी भी जो है गीली ही रहे। दोस्तों, हमारे पास अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम इसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो ये पार्ट हमारा गमले के अंदर जाएगा तो उसे हम पॉलीथीन से जो है इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि जल्दी हमारा ये फ्लावर स्टिक जो है खराब ना हो। तो इसी तरह से जो है इसी रस्सी पानी से इस तरह से लपेट देंगे। जैसे बाजार में हम लोग मोस्टली लेने जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, और दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग इस तरह से लपेट देंगे इसे तो इससे ये रहेगा कि ज़्यादा टाइम तक हमारी मोस्टली जो है सब।
सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेगी हमारे वाइन वाले प्लांट्स को। दूसरी मोस्टिक को जो है मैंने पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया है, तो हमारा अंदर का कपड़ा भी भीग गया है पूरी तरह से और ये जूट की रस्सी भी भीग गई है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे कर देंगे और जो है अब इस पॉट में जो है अपने मनी प्लांट को लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ये वाला काम कर लेते हैं, ये जो तार है इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जकड़ देंगे रस्सी को जकड़ देंगे ताकि इसे मॉइस्चर मिलता है। तो हम जितने भी उस टाइप के जो बनाया है तार के वो सब हम इसी रस्सी के अंदर लगा देंगे
जहाँ से हमें लग रहा है कि हमारी वाइन जो है लटक रही है। ये देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा उजाले में ले जाके आपको दिखा दी हूँ। अब आपको साफ दिखेगा दोस्तों, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये मैंने हुक लिया है और हुक को मैं इस तरह से इसमें ऐसे तार का जो हुक बनाया है उसको मैं इस तरह से इसमें लगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम इसके ऊपर शावरिंग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसे शावरिंग कर दिया, तो देखिए कितना क्लीन भी हो गया है और ये मोम स्टिक भी जो है हमारी गीली हो गई है। और आप जब भी पानी डालिए तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से डालिए ताकि ये स्टिक जो है हमारी गीली रहे, ताकि मॉइस्चर जो है इसी में बना रहे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, और बताइएगा कि मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये हो गया ना हमारा सस्ते में सस्ता और बढ़िया मोम स्टिक। बाय दोस्तों।